हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैं भी रियल आंसर्स की सीरीज लेके चल रहा हूं जहां पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, देन उसके बाद फिर मैंने आपके सामने बताया था हैंड बॉल थ्योरम है, देन बॉल्जनोव स्ट्रेस थ्योरम है, तो ये सब मैंने बताया है, तो ये आप आईटेप पे जाके देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस पे बेस्ड मैं आगे कुछ और भी टॉपिक्स लेने वाला हूं और थ्योरम पे प्रूफ बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टूडेंट देखिए, सीक्वेंस क्या होता है। सो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, राइट, कि जैसे कि हमारे पास एपी है, जीपी है, एचपी है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 2 3, ये हमारे पास क्या एक सीक्वेंस होता है, राइट, है ना, एक प्रॉपर फार्मूला लगता है ना, जिसके अंदर प्रॉपर फार्मूला लगता है वो हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस, जिसकी हम नेक्स्ट टर्म बता सके कि हाँ इसकी नेक्स्ट टर्म ये आएगी, राइट, तो वो हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द नेचुरल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, राइट, दैट इज अ फंक्शन एफ एन टू आर विच इज डिफाइंड ऑन एफ एन इज इक्वल टू ए एन, है ना। मतलब यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बात करूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास दे रखा है, तो इसमें एक्स की वैल्यू आप पुट कर, मतलब एफ एक्स तो नहीं आएगा, इसको हम एन ले लीजिए क्योंकि नॉर्मली यहां पे हम एन नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो आप एफ एन इज इक्वल टू हम ले सकते हैं यहां पे एन स्क्वायर, राइट, तो एन स्क्वायर तो नेचुरल नंबर 1 2 3 रखते जाइए तो आपके पास यहां पे सीक्वेंस निकल जाएगी, जिसमें आपके सामने बोलूं कि एन स्क्वायर माइनस एन, राइट, ये भी सीक्वेंस हो सकती है ना, वैल्यू पुट करते जाइए तो आपको आपके पास डिस्टिंक्ट नंबर निकलते जाएंगे, राइट, तो ये हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है, क्लियर है। तो नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो आपके पास यहां पे नंबर्स निकलते जाएंगे, है ना। अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो नॉर्मली वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास रियल नंबर होते हैं ना, है ना, मैक्सिमम हमारे पास यहां माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सीक्वेंस एक रियल लाइन पे हम बता सकते हैं, क्लियर। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको सीक्वेंस में समझाना चाहता हूं। इन सीक्वेंस डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर सेट, है ना, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलता हूं कि कोई भी हम सीक्वेंस लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक एपी की बात करता हूं, 3 5 7, ये हमारे पास एक सीक्वेंस जा रही है जो एन तक जा रही है ना, तो इसमें हम जानते हैं कि हम 10th क्लास में इसका नेचुरल नंबर का मतलब एपी का हम एंथ टर्म देखते हैं, याद है ना, एन टर्म क्या होता है इसका, याद है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है ना। तो सुन यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, है ना, प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है, सुन यहाँ पे 2 है, क्लियर है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 2n+1, राइट, तो ये टी एन इज इक्वल टू 2n+1 आता है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, 2n+1 होती है ना। जैसे आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 2 रखेंगे तो ये 5 आएगा, 3 रखेंगे तो ये 7 आएगा, तो इस तरह से हमारे पास क्या आता जाता है स्टूडेंट, सीक्वेंस निकल दी जाती है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है क्या है, जहां पर एक प्रॉपर फार्मूला जिसमें हम नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर पुट करते जाते तो हमारे पास एक सीक्वेंस एक सीरीज एक सीक्वेंस सीरीज तो नहीं बोलेंगे इसका, एक आपके पास नंबर्स निकलते जाते हैं ना, और पर्टिकुलर वो फार्मूला सबके लिए ट्रू होता है, क्लियर है। तो ये हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे ये 2n+1 हमारे पास कोई सीक्वेंस है, राइट, एपी है, तो हम यहाँ पे इसके 100 टर्म भी निकाल सकते हैं कि एन की जगह 100 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200+1, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 201 टर्म आ जाएगी, राइट, तो हम ये पता लगा सकते हैं, क्लियर। तो अल्टीमेटली सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पे कोई से भी टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, ये हमने सीक्वेंस का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है an 1/n है ना, मतलब उसकी टर्म क्या होगी, जैसे एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सीक्वेंस है, अगर उसकी सीक्वेंस को हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट, सीक्वेंस कोई भारी चीज़ नहीं है, स्टूडेंट बहुत डरते हैं इससे, पर बड़ा इजी कंसेप्ट है, है ना। स्टूडेंट जैसे ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सभी सब टर्म हो जाएगी, राइट, अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि एफ एन इज इक्वल टू एन और ये -1/n टाइप की सीक्वेंस दे रखी है ना, तो जहाँ पर भी एन है वहाँ 1 रखेंगे तो -1/1, -1/2, -1/3, ऐसे एन की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/1, -1/1, -1, ऐसे हमारे पास टर्म निकलती जाएगी, राइट, तो ये हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है ना। सो वी नो दैट -1/1, -1/1 आर द टर्म्स ऑफ -1/n, बट हियर ऑल टर्म्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे सभी टर्म डिस्टिंक्ट नहीं है ना, वैसे इसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं, है ना, वो अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। सो एफ एन इज इक्वल टू एन, यहाँ पे हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखी है, राइट, तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3, तो हमारे पास ये टर्म निकलती जाएगी, है ना, ठीक है। इसमें ये हमारे पास एक और सीक्वेंस दे रही है एफ एन इज इक्वल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सीक्वेंस के ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, राइट, मेरा उद्देश्य यहाँ पे समझाने का मतलब नहीं कि सर ये क्या बहुत सिंपल सिंपल बातें समझा रहे हैं, बट सिंपल से मैं धीरे धीरे आपके पास काम की चीज़ें बताऊँगा, राइट।
सुनिए, fn इज इक्वल टू यहाँ पे an माइनस n दे रखा है, तो 1, 2, 3 रखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म में आता जाएगा, राइट। इस सुनिए यहाँ पे fn इज इक्वल टू an माइनस 1 पावर n दे रखा है, तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारे पास इस तरह से टर्म आती जाएगी, है ना। तो ये माइनस 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर माइनस 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, और ये पाँचों एग्जाम्पल से हम आगे जितने भी मैं आपके सामने बाउंडेड सिक्वेंस है ना, देन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, बहुत सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, ये पाँचों एग्जाम्पल से समझाऊंगा, राइट। ये पाँचों एग्जाम्पल याद रखिए, इन पाँचों एग्जाम्पल से आपको जितने भी सीक्वेंस है उन सबके आप कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे फर्दर क्लासेस के अंदर, राइट। इसमें सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले बात होती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस का मतलब तो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस, है ना। मतलब जितने भी हमारे पास सीक्वेंस है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होती है वो सबको हम यहाँ पे क्या लेते हैं, रेंज बोलते हैं यहाँ पे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एन इज इक्वल टू 1/n दे रखा है, क्लियर है। अब 1/n ये जो सीक्वेंस होती है इसमें 1, 1/2, 1/3 सभी टर्म हमारे पास आएगी यहाँ पे, और सभी टर्म डिस्टिंक्ट ही होती है, तो जो भी हमारे पास जितनी भी टर्म्स आएगी वो पूरा इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, राइट। इसमें माइनस 1 पावर n है ना। अब माइनस 1 पावर n हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें -1, -1, -1, तो यहाँ पे दो ही टर्म डिस्टिंक्ट आ रही और वही हमारी क्या हो जाएगी, रेंज सेट हो जाएगा, राइट। तो रेंज सेट हमारा क्या होगा, 1 n -1 होगा, क्योंकि दो एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, है ना, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो माइनस ए पावर एन इज इक्वल टू ये दे रखा एन, तो इस सीक्वेंस में 1, 2, 3 तो सभी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, है ना। तो यही पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा, क्लियर। इसमें ये माइनस है ना, ये भी हमारे पास रेंज सेट, वो कभी हो जाएगा जितने भी एलिमेंट होंगे वो टोटल इसका क्या हो जाएगा, रेंज सेट हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है ना। माइनस 1 पावर n / n यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो ये टोटल जो भी इसका सीक्वेंस आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज सेट होगा। तो रेंज सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस के अंदर वो एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेंज सेट बोलते हैं, क्लियर है। द रेंज ऑफ सीक्वेंस मे और मे नॉट बी फाइनाइट, है ना, बट इट इज ऑलवेज अकाउंटेबल। इसमें यहाँ पे रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है, काउंटेबल होती है ना, कभी फाइनाइट भी हो सकती है और कभी इनफाइनाइट भी हो सकती है, राइट, है ना, मतलब काउंटेबल होती है, ओके। अब इसमें काउंटेबल सेट क्या है, अनकाउंटेबल सेट क्या है, वो भी आप आईटी पे जाके आप देख सकते हैं बहुत जल्दी, अगर नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में उस पर वीडियो मिल जाएगा, राइट, है ना, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि अब बात होती है कॉन्स्टेंट सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, अ सिक्वेंस एन इज सेट टू बी कॉन्स्टेंट If an is equal to c, है ना, मतलब एक ही एलिमेंट रिपीट कर रहा है बार बार, है ना, तो वो हमारे पास क्या होती है, कॉन्स्टेंट सिक्वेंस होती है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब उसका जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा, एक सिंगल सेट, सिंगल टन सेट होगा, मतलब उसके अंदर उसकी रेंज में, जैसे मैं बात करूँ, ये हमारे पास कोई सिक्वेंस है ना, आप देख रहे हो इसमें 1, 1, 1, 1, 1 हमारे पास आता जा रहा है, तो इसका रेंज सेट में क्या हो जाएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, राइट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्विंग कॉन्स्टेंट सिक्वेंस हो जाएगी। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको समझने की जरूरत है, ऑल टर्म्स ऑफ सिक्वेंस पुट ऑन रियल लाइन, कोई भी हमारे पास सिक्वेंस होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक रियल लाइन पे हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कोई सीक्वेंस दे रखी है, तो हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये टर्म यहाँ आएगी, 2 यहाँ आएगा, क्योंकि हम आगे जो नेक्स्ट मेरी क्लास आने वाली है उसके अंदर मैं आपको और डेफिनेशन बताऊंगा, तो वो डेफिनेशन आपको ये आएगा तो वो भी समझ में आएगा ना, क्योंकि हम पहले इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे, देन इसको हम समझेंगे कि क्या वो टर्म्स होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल an माइनस 1 पावर n है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो 1 n - 1 आएगी, राइट, है ना, तो 1 n - 1 को इंडिकेट करेंगे, क्लियर है। इसमें ये से हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है ना, इसको हम रियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको रियल लाइन पे कैसे दिखाएंगे हम, जैसे दे रखा है -1 पावर n / n, अब -1 पावर n में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएगी, है ना, एक तो आएगा n1 रखेंगे तो 1 - 1 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, है ना, तो -1 आ गया, फिर ये 1/2 आ गया, है ना, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 रखेंगे तो -1/3 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, ना, तो ये टर्म हमारे पास अल्टीमेटली जो टर्म्स होती जाएगी वो इस तरह से यहाँ पे क्या होती जाएगी, अंदर की तरफ कन्वर्ट्स करेगी। वो मैं आपको कन्वर्जेंट के बारे में आगे आइडिया दूंगा, बस एक बता रहा हूँ कि रियल लाइन पे कैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि सिक्वेंस को रियल लाइन पे इंडिकेट करना आपको समझ में आ गया तो हम यहाँ पे लिमिट और बहुत सारे जो कंसेप्ट है कन्वर्जेंट का, डाइवर्जेंट का, वो हम समझ सकते हैं, क्लियर। तो सुनिए, सिक्वेंस का कंसेप्ट मैंने आज आपको समझाया और मुझे लगता है कि सिक्वेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया, जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी कि सिक्वेंस होती क्या है। अब इसके आगे जो फर्दर थ्योरम्स है और फर्दर कंसेप्ट है वो मैं आपके सामने अपकमिंग क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। सो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे लास्ट में वीडियोस है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस है जो मैं नए वाले चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, फॉर गेट, आईआईटी, गेट और सीएसआईआर नेट, उनके लिए सब देख सकते हैं आप। और ये मेरे रियल क्लासेस की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अभी अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, इसमें मेरा वो नया वाला चैनल जहाँ पर मैं आईआईटी जेम, गेट और सीएसआईआर नेट के लिए काम कर रहा हूँ, और ये मेरा पुराना चैनल जिस पर अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।